हेलो फ्रेंड्स, तो साबूदाना एक ऐसी चीज होती है जिसे भारत के अंदर ज्यादातर लोग तभी खाते हैं जब नवरात्रों का पर्व यानी कि त्योहार शुरू हो जाता है, क्योंकि साबूदाना व्रत का खाना माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग साबूदाने का सेवन तभी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप नियमित तौर पर साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी काफी फायदे आपको मिल सकते हैं। चलिए आज जानते हैं उन फायदों के बारे में। दोस्तों, अगर आप साबूदाने को नियमित तौर पर खाते हैं तो ऐसा करने से आपके शरीर का एनर्जी लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर काफी एनर्जी बढ़ती है और आपको वर्कआउट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल पाती है। इसी के चलते आपकी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों ही काफी हद तक संतुलन में आ जाती है और मजबूत भी बनती है। अगर आपको पेट खराब की समस्या रहती है तो आपको साबूदाने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। साबूदाने का नियमित रूप से सेवन करने से आपके पेट की खराबी भी दूर हो जाती है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है तो आपको साबूदाने का सेवन जरूर करना चाहिए, और अगर आप बीपी के रोगी हैं तो भी आपको साबूदाने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप जब भी साबूदाना बनाएं तो इसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाले के साथ ना बनाएं, और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या नहीं इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आपको दूध से बनी हुई चीजों से एलर्जी है तो आप कभी भी साबूदाने को दूध से बनी हुई चीजों के साथ कंबाइन करके ना बनाएं। आप इसे सोया मिल्क के साथ या फिर कोकोनट मिल्क के साथ कंबाइन करके भी बना सकते हैं। सो दोस्तों, साबूदाना खाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।